अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं कवल यू फ्रॉम फोन वर्ल्ड और आज स्मार्ट रिव्यूज़ में हम क्यू मोबाइल के एक नए हैंडसेट का रिव्यू करेंगे जिसका नाम है क्यू मोबाइल नॉयर A3। इस हैंडसेट की एक स्पेशल बात यह है कि इट कम्स विद अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। क्यू मोबाइल का एक मिड रेंज फ़ोन जो कि एक फिंगरप्रिंट स्कैनर के साथ आता है, प्लस प्राइस रेंज भी बहुत अच्छी है। और अब रिव्यू देखते हैं कि हैंडसेट कितना अच्छा है। लेट्स सी कि इस हैंडसेट में और क्या क्या बात है एंड व्हाट्स सो स्पेशल अबाउट दिस हैंडसेट, क्योंकि ये क्यू मोबाइल की न्यू रेंज में है। तो आप देख सकते हैं इस हैंडसेट को, इट्स अ 5-inch HD IPS LCD और जो इसका रेजोल्यूशन है उस पर हम थोड़ी देर में बाद में बात करते हैं। पहले हम ऐसे करते हैं कि इस हैंडसेट का डिज़ाइन और बॉडी और इसकी ब्रांडिंग पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं क्यू मोबाइल की नॉर्मल ब्रांडिंग जैसे होती है, क्यू मोबाइल और नॉइड की ब्रांडिंग है। आपको ये दो डिफरेंट स्ट्रिप्स नज़र आ रही होंगी और आई होप अगर आपको आवाज़ आ रही हो तो थोड़ा सा रफ सा है इसका सरफेस, विच मेक्स इट लुक ब्यूटीफुल। और ये हैंडसेट की लुक थोड़ी इन्हांस कर रहा है। प्लस इसकी जो ये बॉडी है, आई विल टेल यू कि ये एक पॉलीकार्बोनेट प्लास्टिक बॉडी है इस हैंडसेट की। अगर आपको आवाज़ आ रही हो, आप यहाँ से इसका कैमरा देख सकते हैं, आप फ्लैश लाइट देख सकते हैं, 8 megapixel कैमरा इस हैंडसेट में। एंड यहाँ पर अगर आप देखें तो हमें वॉल्यूम की नज़र आ रही है और पावर बटन एंड USB पोर्ट, माइक, और यहाँ पे हमें सैनसेट का ऑडियो जैक नज़र आ रहा है। फ्रंट स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कैमरा, LED, नोटिफिकेशन लाइट, और यहाँ पे इट्स अ फिंगरप्रिंट स्कैनर जिसे मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगी कि हाउ विल यू ऐड योर फिंगरप्रिंट इन दिस और आप उसे यूज़ कैसे करेंगे। नेक्स्ट, मूविंग टुवर्ड्स द डिस्प्ले ऑफ दिस हैंडसेट, आई वुड लाइक टू टेल यू इट्स अ 5-inch HD IPS डिस्प्ले और इसका जो रेजोल्यूशन है इट्स 720x1280, जिसका मतलब ये कि एक HD वीडियोस तो चला देगा, बहुत ज़्यादा हाई रेस नहीं लेकिन फिर भी रीजनेबली HD वीडियोस ही आराम से अपने इस हैंडसेट पे आप लोग देख सकते हैं। वेल, हम लोगों ने इसमें बहुत सारी ऐप्स इंस्टॉल की हैं जैसे कि N22 एंड विलामो भी इंस्टॉल किया जस्ट टू सी कि ये हैंडसेट कहाँ स्टैंड करता है, और उसकी कुछ स्पेसिफिकेशंस भी देखने के लिए हम लोग करते हैं। जैसे कि विलामो अगर अभी हम देख लें तो आई वुड लाइक टू टेल यू कि अगर हम इसकी डिवाइस डिटेल्स पर जाएँ तो आपको बहुत सी ऐसी चीज़ें पता चल जाएंगी, यानी छोटी छोटी माइनर डिटेल्स होती हैं हैंडसेट के बारे में जो आपको इसके बॉक्स पे भी मिल जाती हैं, बट देन अगेन जब आप एक एप्लीकेशन के थ्रू देखते हैं तो आपको ज़्यादा अच्छी तरह से अंदाज़ा हो जाता है। तो अब यहाँ से हम चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है कि इसमें लिखा हुआ आ रहा है कि इसमें जो OS यूज़ हुआ है दैट इज़ Android 5.1 विच इज़ लॉलीपॉप A3। आप इसका मॉडल देख सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 720x1280 इसका रेजोल्यूशन है। इसका जो DPI है इट्स 320 DPI। और हेयर कम्स द कोर, इट्स अ क्वाड कोर प्रोसेसर, 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर है इस हैंडसेट में। और मीडिया टेक की चिपसेट है 6735। वेल, टॉकिंग अबाउट द ग्राफिक ड्राइवर ऑफ दिस हैंडसेट, इसमें जो ग्राफिक ड्राइवर है दैट इज़ Mali-T720। एंड देन द स्टोरेज, जैसे कि मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट की जो मेमोरी है, इट्स इसकी रैम है इट्स 2 GB रैम, और जो इसकी इंटरनल स्टोरेज है दैट इज़ 16 GB इंटरनल स्टोरेज। और अगर आपने कुछ ज़्यादा इंटरनल स्टोरेज चाहिए या आपका यूज़ थोड़ा ज़्यादा है तो यू कैन एक्सपैंड इट थ्रू SD कार्ड। और आगे चलते हैं इस हैंडसेट के साथ, तो जैसे कि मैं इसके बॉक्स पे भी अगर आप लोग देखें तो इसके बॉक्स पे भी यहाँ पे गेम लॉफ्ट लिखा है, विच मीन्स के इसमें कुछ प्री इंस्टॉल्ड ऐप्स आती हैं, कुछ गेम्स आती हैं जो कि गेम लॉफ्ट ने डेवलप की हुई हैं। वेल, अदर देन फोन असिस्टेंट, हमारे पास एक और प्री इंस्टॉल्ड ऐप है इस हैंडसेट में जिसका नाम है वन क्लीन। और व्हाट हैपन्स इसके, आप देख सकते हैं जैसे मैंने इसे टैप किया, जैसे कि आपको पता है कि डिफरेंट हम लोग एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं लाइक क्लीन अप या क्लीन मास्टर टाइप की, ताकि वो हमारी रैम को ज़रा फ्री कर सके, तो इस हैंडसेट में प्री इंस्टॉल्ड ऐप आ जाती है। और इसका मतलब ये है कि आपको दूसरी ऐप्स इंस्टॉल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसमें प्री इंस्टॉल्ड ऐप है फॉर डूइंग द सेम फंक्शन। अदर देन दैट, हम लोग चलते हैं इसके फिंगरप्रिंट स्कैनर की तरफ, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दिस हैंडसेट हैज़ अ फिंगरप्रिंट स्कैनर। आप यहाँ से देख सकते हैं माई फिंगरप्रिंट, जी इधर आप देख सकते हैं, यू विल हैव टू ऐड योर फिंगरप्रिंट। और लेट्स सी कि हम लोग पहले अपना फिंगरप्रिंट इसमें ऐड करते हैं, तो ये देखें, आई प्लेस माई फिंगरप्रिंट, और ऐसे करते करते ये सारे पैटर्न आपका फिंगरप्रिंट का लेगा। और जब आपका फिंगरप्रिंट इसमें कम्प्लीट ऐड हो जाएगा तो आप उसे अनलॉक कर सकेंगे अपनी मर्ज़ी से, लाइक थ्रू योर फिंगरप्रिंट। और ये हो गया जी ऐड। नाउ जो आस्किंग कि इस फिंगरप्रिंट के लिए कोई नाम रखे, तो हम इसे रीनेम करते हैं। ओके, ठीक है, ये हमारा ऐड हो गया। अब वो दूसरे फिंगरप्रिंट के लिए भी ऑप्शन मांग रहे हैं। और मैं आपको बताती चलूँ कि इस हैंडसेट में मल्टीपल फिंगरप्रिंट्स यूज़ हो सकते हैं फॉर अनलॉकिंग अ फोन।
तो ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि अक्सर ये होता था कि पहले जिस बंदे का हैंडसेट होता था सिर्फ वो ही अनलॉक कर सकता था, लेकिन अब 2-3 फिंगरप्रिंट्स यूज़ कर सकते हैं फॉर अनलॉकिंग दिस हैंडसेट। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी विल टॉक अबाउट द कैमरा ऑफ दिस हैंडसेट। इस हैंडसेट का जो रेयर कैम है, इट्स 8 megapixel रेयर कैम विद अ फ्लैश लाइट। और इस हैंडसेट का जो सेल्फी कैम है, जिसे हम कहते हैं फ्रंट कैम, वो है इसका 5 megapixel। तो आपको पिक्चर्स तो मैंने इनसे ली हुई है, मैं आपको सबसे पहले जस्ट कुछ कैमरा फंक्शंस दिखाना चाहती हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं सेटिंग्स में अगर हम जाएँ तो आप देख सकते हैं टच शटर है, स्माइल शॉट है, हमारे पास सेल्फ टाइमर है और डिफरेंट है। पिक्चर साइज़ आप चेंज कर सकते हैं, अगर आपको साइज़ थोड़ा रखना है पिक्चर का तो आप वहाँ से चेंज कर सकते हैं। अदर देन दैट वॉल्यूम कीज़ के साथ भी आप पिक्चर्स ले सकते हैं, और आप इसकी बाकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स को भी अगर आपने सेट करना है तो आप उस तरह कर सकते हैं। अदर देन दैट हमारे पास कुछ ऑलरेडी प्री इंस्टॉल्ड इसमें फिल्टर्स हैं, आप ये देख सकते हैं। और एक और इंटरेस्टिंग चीज़ इसकी कि आप पिक्चर अगर आपने कैप्चर कर ली है, और एक और चीज़ इसमें ये आप देख सकते हैं टॉर्च, ये इट्स अ वेरी स्मूथ टॉर्च, इससे आपकी बहुत स्मूथ सेल्फीज़ आती हैं। और आई विल शो यू वन मोर थिंग, हम इसकी गैलरी में अगर जाएँ तो गैलरी में जाते हैं, हम आपको कुछ इसकी पिक्चर्स देख के दिखाते हैं। आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये 8 megapixel रेयर कैम की पिक्चर है, यू कैन सी हियर। और हम लोग इसकी डिटेल्स में अगर जाएँ तो आप देख सकते हैं 3.03 MB का फाइल साइज़ है और काफ़ी बड़े साइज़ की पिक्चर है। एंड इट्स अ नाइस पिक्चर, 8 megapixel कैमरा से इतनी अच्छी पिक्चर इज़ रियली नाइस। ये है हमारी सेल्फी पिक्चर। और इसकी एक और इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ, आप यहाँ से इसके ऑप्शन में देख सकते हैं फेस ब्यूटी। नाउ वी विल गो टू फेस ब्यूटी, और हमारे पास बड़े आर्टिफिशियल मीन्स है एक पिक्चर को बड़ा खूबसूरत बनाने के। आप यहाँ से देख सकते हैं सॉफ्ट स्किन, अब आप मेरी पिक्चर देख सकते हैं, और नाउ यू विल सी कि जब मैंने सॉफ्ट स्किन ज़्यादा की है तो वो चीज़ बहुत ज़्यादा स्मूथ हो गई है। आई अप्लाई दिस फिल्टर, उसके बाद आप ये देख सकते हैं, ओके ये आपको फ़र्क नज़र आ रहा है। देन स्किन ब्राइटनेस, अब आप यहाँ से अपनी स्किन को ब्राइट भी कर सकते हैं। फेस इन्हांसमेंट में आपके पास डिफरेंट ऑप्शन हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। तो आपने एक पिक्चर को बैठे बिठाए एडिट कर लिया, एंड आई विल सेव दिस पिक्चर। और वैसे भी ये पिक्चर जो थी वो मेरी सेल्फी पिक्चर थी, जो कि मैंने 5 megapixel कैम से ली थी। अदर देन द कैमरा, लास्ट जो चीज़ है हम इसकी बैटरी डिस्कस करेंगे। इसकी जो बैटरी है इट इज़ 2500 mAh बैटरी, विच इज़ ओके फॉर हैंडसेट लाइक दिस, क्योंकि आप देख सकते हैं इसका जो प्रोसेसर है वो भी एक क्वाड कोर प्रोसेसर है। और इसकी जो रैम है 2 GB RAM, तो नॉर्मली 2 GB RAM और क्वाड कोर इस तरह के प्रोसेसर हो तो उसका जो ये हमारी बैटरी है विच इज़ 2500 mAh बैटरी, इट डज़ रियली गुड। मतलब ये पूरा दिन, अगर मैंने जब इस हैंडसेट को यूज़ किया था तो अगर मैं इसे कंटिन्यूसली यूज़ करूँगी तो ये 9 to 10 hours तक इसकी बैटरी जो है वो लॉन्ग लास्ट करती है। लेकिन अगर मैं इसे स्टैंड बाई पर रखूँ तो आई गेस ये 2 दिन बड़े आराम से चल सकती, क्योंकि मैंने जब तक इसे स्टैंड बाई पर नहीं रखा, जब से मैंने लिया तो मैं इसे यूज़ ही कर रही हूँ। वेल व्यूअर्स, दैट्स ऑल फॉर नाउ, आई होप आपको रिव्यू पसंद आया होगा। लास्ट चीज़ जो मैं इसके बारे में बताती चलूँ वो है इसकी प्राइस रेंज। इसकी जो प्राइस रेंज है इट्स मिड रेंज, और इसकी जो प्राइस है वो है 14,500 rupees, जो कि मिड रेंज फोन्स में आता है। एंड इसके अलावा आपको कोई भी क्वेश्चन अगर इस हैंडसेट के बारे में पूछने हैं, आप हमें ईमेल कर सकते हैं या आप हमें कमेंट बॉक्स में भी लिख के बता सकते हैं। एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो अस ऑन फेसबुक एंड ट्विटर। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।